एग्जाम्पल नंबर 2.2 हमारे चैप्टर की दूसरी एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक ही प्लेन में दो फोर्सेस हैं, एक है 10 न्यूटन की फोर्स जिसे मैंने यहां पे नाम दिया होगा F1 का, एक हमारे पास है 20 न्यूटन की फोर्स जिसे हमने नाम दिया होगा यहां पे F2 का। दोनों फोर्सेस कोप्लैनर हैं, कोप्लैनर मीन एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। एक फोर्स जो हमारे पास 10 न्यूटन वाली है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, जो हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमारा सवाल ये है, ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस एक ही प्लेन में रहते हुए जो रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगी वो कितनी होगी, और वो जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आएगी वो कितने डिग्री के एंगल पे लाई करेगी। एक तो हमें इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट चाहिए, इन दोनों फोर्सेस का, दूसरा वो कंबाइंड इफेक्ट कितने डिग्री के एंगल पे लाई करेगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमने यहाँ पे डाटा बनाया, ये दोनों आपस में लिंक दें, क्योंकि 10 न्यूटन की फोर्स है F1 30 डिग्री के एंगल पे है, 20 न्यूटन की फोर्स है F2 60 डिग्री के एंगल पे है। सबसे पहले स्टेप वन पे हमने इस फोर्स का निकालना है एक्स कंपोनेंट, हमें हमारी F1 वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा एक्स कंपोनेंट कॉस से होता है, F1x F1 cos थीटा 1, हम जानते हैं ये फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन की है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, पुट कर दिया। हमारे पास इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट आया वो आया 8.66 F1 का एक्स कंपोनेंट। अब हमें इस सेकंड फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए, यानी कि पहले स्टेप में मैंने इन दोनों फोर्सेस के फाइंड कर लिए एक्स कंपोनेंट। F2 का हम फाइंड करते हैं एक्स कंपोनेंट, F2 की वैल्यू पुट की, ये फोर्स 60 डिग्री के एंगल पे है, पुट कर दिया, चूंकि एक्स कंपोनेंट है कॉस के साथ लेके चलेंगे, हल किया, हमारे पास आंसर आया 10 न्यूटन। इस फोर्स का हमारे पास एक्स कंपोनेंट आया था 8.66, इस सेकंड वाली फोर्स का हमारे पास एक्स कंपोनेंट आया है 10। अगर मैं टोटल एक्स कंपोनेंट निकालना चाहूं इन दोनों फोर्सेस का, मैंने इस फोर्स का भी एक्स कंपोनेंट ले लिया, इस फोर्स का भी एक्स कंपोनेंट ले लिया, मुझे इन दोनों का टोटल अगर एक्स कंपोनेंट चाहिए तो मैं इसको और इसको कर देता हूं ऐड, मेरे पास दोनों का सम जो आया है एक्स कंपोनेंट वो बन गया 18.66 न्यूटन। 8.66 10 18.66 न्यूटन, ये तो हमने दोनों के एक्स कंपोनेंट निकाल के उनका टोटल निकाल लिया। सेम उसी तरह जैसे हमने एक्स कंपोनेंट निकाले हैं, अब हम इनके निकालते हैं वाई कंपोनेंट्स। F1 का भी वाई कंपोनेंट, F2 का भी वाई कंपोनेंट। F1 का जब मैंने वाई कंपोनेंट निकाला तो जहरी बात है चूंकि हम वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो हम कॉस नहीं साइन को लेके चलेंगे, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में कि हमने एक्स कंपोनेंट किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लेना है और वाई कंपोनेंट। तो मैंने वाई कंपोनेंट दिया F1 साइन थीटा 1, साइन थीटा यूज किया, F1 10 न्यूटन की है, F1 का एंगल लिख चुके हैं हम 30 डिग्री है, पुट कर दिया, वाई कंपोनेंट इसका आ गया 5 न्यूटन। जब मैं सेकंड फोर्स की बात करता हूं जो दूसरी फोर्स है, मुझे इसका भी चाहिए वाई कंपोनेंट, तो मैंने उसका भी वाई कंपोनेंट लिया, मेरे पास आ गया 17.32 न्यूटन। जिस तरह मैंने यहां पर दो एक्स कंपोनेंट निकाल के उनका टोटल एक्स कंपोनेंट निकाला था, यहां पर भी मैंने दो वाई कंपोनेंट निकाले, अब उन दोनों का टोटल वाई कंपोनेंट ले लिया, जैसे ये 5 न्यूटन है ये 17.32 न्यूटन है, तो 17.32 और 5 न्यूटन सम अप हुए, जो टोटल मेरे पास वाई कंपोनेंट आया वो बन गया 22.32 न्यूटन। तीसरा स्टेप, अब मेरे पास एक्स कंपोनेंट भी टोटल आ चुका है, वाई कंपोनेंट्स भी टोटल आ चुका है, मुझे अब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट है।
ये रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट है, मुझे रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मेरे पास आप देख सकते हैं एफ एक्स भी है जो टोटल मेरे पास पड़ा हुआ है, एफ वाई भी है, ये मेरे पास एफ एक्स है, ये मेरे पास एफ वाई है, मैंने इन दोनों को यहाँ पे यूज़ किया तो टोटल जो फोर्स मेरे पास आई वो 29 न्यूटन की आई। इसका मतलब अगर एक फोर्स 10 न्यूटन की हो दूसरी 20 न्यूटन की हो, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि 10 और 20 मिलकर 30 बनाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। जब ये इतने इतने डिग्री पे मिलकर अपना कंबाइंड इफेक्ट शो करती हैं तो कभी भी 10 और 20 मिलकर 30 नहीं हुई, तो सिचुएशन ऐसी चेंज हुई कि आंसर आ गया हमारे पास 29 न्यूटन। अब देखना है ये जो 29 न्यूटन मैग्नीट्यूड की फोर्स आई है, ये तो उसकी मैग्नीट्यूड है, कितने डिग्री के एंगल पे लाई कर रही है। तो डायरेक्शन ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए हम जानते हैं हमारे पास जो फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, एफ वाई भी हमारे पास है जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, एफ एक्स भी हमारे पास जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, दोनों को पुट किया हमारे पास आंसर आ गया 50 डिग्री। इसका मतलब जब ये दोनों मिलके अपना कंबाइंड इफेक्ट शो करने शुरू हुई तो ना ये 30 डिग्री पे रही ना ही 60 पे रही, वो दोनों 50 डिग्री के एंगल पे चली गई और 29 न्यूटन की मैग्नीट्यूड के साथ इन दोनों ने एक ही प्लेन में रहते हुए अपना कंबाइंड इफेक्ट शो किया। ये हमारी दूसरी एग्जांपल थी। अब हम पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2.3।